नमस्कार, मैं हूँ श्रुति सन्हा। आप सभी का स्वागत है एएनबी न्यूज के बुलेटिन में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने न्यू दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएमयू के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी का संदेश, जो देश का है वो हर देशवासी का है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने पीएलएफआई के सभी उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है। सोमवार रात लंदन से दिल्ली आई फ्लाइट में 6 यात्री कोविड पॉजिटिव मिले। कांग्रेस का आरोप, देश के लिए टू मच डेमोक्रेसी नहीं बल्कि टू मच डिक्टेटरशिप घातक है। बीजेपी का टू मच डिक्टेटरशिप के कारण लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्रिसमस से पहले नए कोरोना की दस्तक, ब्रिटेन में मिला कोरोना का खतरनाक रूप। रांची में राज्य पुलिस सफल अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, वहीं पंचायती राज के जेई कंप्यूटर ऑपरेटर का भी धरना जारी है। मुंबई के पब में छापा, सेलिब्रिटी समेत 34 के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन का केस। 6 गोली लगने और शरीर में 9 स्प्लिंटर रहने के बावजूद नक्सलियों के खात्मे में लगे हुए हैं सीआरपीएफ के अधिकारी पीआर मिश्रा। अन्ना हजारे ने कृषि मंत्री को फिर लिखी चिट्ठी, कहा, आपने जो कहा नहीं किया, अब अनशन करूंगा। अभया मर्डर केस में एक पादरी और नन दोषी करार, 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। उत्तर प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे पर कंटेनर से टकराई कार, 5 लोग जिंदा जले। लोहरदगा रेलवे स्टेशन पर सासाराम रांची एक्सप्रेस के पैसेंजर के बीच एक जागरूकता फैलाने के मकसद से कार्यक्रम आयोजित किया गया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द हाजिर होंगे नए बुलेटिन के साथ।